बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। हाथी और मूर्तियां बनाने के सवाल पर जवाब दाखिल। भगवान राम की मूर्ति हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं। मेरा सारा जीवन दलितों के लिए समर्पित है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए लिखा है कि अगर भगवान राम की मूर्ति बन सकती है तो फिर मेरी क्यों नहीं। मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने और हाथी की मूर्तियां लगवाने के फैसले का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में कहा कि अगर भगवान राम की मूर्ति बन सकती है तो मेरी क्यों नहीं। आगे उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या में भगवान राम की 221 मीटर की प्रतिमा बननी प्रस्तावित हो सकती है तो फिर मेरी क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के वक्त में भी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव जैसे नेताओं की जनता के पैसों से मूर्तियां स्थापित कराई गई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता के पैसों से मूर्तियां स्थापित की गई थी, पर तब तो किसी ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, ना किसी ने सवाल पूछा। इसके साथ ही मायावती ने गुजरात में 182 मीटर ऊंचे और 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने अपना सारा जीवन पिछड़े और दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अर्पित कर दिया है। अपने समर्पण की वजह से ही मैंने तय किया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। जनता की उम्मीदें पूरी करने के लिए ही मैंने ये स्मारक बनवाए हैं। उन्होंने कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की मांग भी की और कहा कि स्मारक या फिर मूर्तियों का निर्माण जनता की इच्छा पर कराया जाता है।